हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही आपके साथ अपने एक टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी, सो आई एम हियर विथ माय फर्स्ट टी टाइम केक रेसिपी। और उस रेसिपी का नाम है सॉल्टेड बटर। और आपको यहाँ पर आज थोड़ा सा चीज़ें मैस लगेगी क्योंकि मैं यहाँ पर तीन तरह के केक की तैयारी कर रही हूँ, बट मैं अभी आपसे एक ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जल्द ही दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करी जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर देखना है, कोई भी केक बनाते हैं तो उसमें आपको अपने मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टी स्पून अपना बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून जो ले रही हूँ मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल उसको लेबल करके ले रही हूँ। आपको इन मेज़रमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आप एक प्रॉपर तरीके का केक घर पर ही बनाना चाहते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1/2 कप जो है मिल्क पाउडर लिया है। और मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपके पास आपके शहर में जो भी अवेलेबिलिटी है, इसका कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। बट आपको ये सब चीज़ों को अच्छे से 2 बार छानना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 1/4 टी स्पून जो है इलायची पाउडर लिया है। और इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको बहुत अच्छे से छानना है 2 बार। आप देख सकते हैं कि मैंने 1st बार उसे अच्छे से छाना है, उसके बाद 2nd बार वापस से एक 2nd बाउल में उसे ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पर मैंने 1/8 स्पून जो है टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अभी हमने यहाँ पर लिए थे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट, अब हम अपने लेंगे वेट इंग्रेडिएंट। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को हमेशा अलग रखना है और वेट इंग्रेडिएंट को हमेशा अलग रखना है। और बाद में सब चीज़ें होने के बाद आप इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो आपका केक प्रॉपर फ्लफी तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून बटर लिया है, सॉल्टेड बटर है ये अपना। और उसके अलावा यहाँ पर 100 ml जो है मैंने यहाँ पर मिल्क मेड लिया है। मिल्क मेड भी आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं। 100 ml का मेरे पास अभी कप अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पर मैंने एक 85 का कप लिया है और एक 15 ml का जो टेबल स्पून होता है उसको मैंने यूज़ करके 100 ml में डाला है। यहाँ पर मैंने अपने मिल्क मेड और बटर को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। इसके बाद अब मैं इन दोनों को अपने ड्राई इंग्रेडिएंट में मिक्स करूंगी। इसमें किसी भी तरह का लम्स ना रहे, इसका ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। मिल्क का मेज़रमेंट जो कप आप यूज़ कर रहे हैं उसी कप से होगा और हम उसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। जितना मिल्क हमें लगता जाएगा हम उसमें मिल्क मिक्स करके डालते जाएंगे। और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं कि कैसी है। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है, बट यस फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए और एक ही तरह का लेवल इसमें आए। यहाँ पर मैं टिश्यू से ऊपर का क्लीन कर रही हूँ, अगर किसी भी तरह का ऊपर कोई ड्रॉप लगा है ताकि वो क्लीन हो जाए और मेरा जो केक है वो अच्छे से बेकिंग में हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इस केक को OTG में सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं OTG को 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए इस केक को रखूँगी। 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे प्री हीट किया था। सेम अगर आप माइक्रोवेव या गैस पर बना रहे हैं तो आपको उसे 10 मिनट्स के लिए पहले प्री हीट करना है। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो उसे 30 मिनट्स के लिए मीडियम आँच पर रखना है। और अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए आपको कन्वेक्शन मोड पे रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा केक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने उसे कट करा है, वो कितना स्पॉन्जी बना है। तो ऐसा ही केक आप भी आराम से घर पर बना सकते हैं, बस आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा। एंड रेसिपी का डिटेल्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। होप कि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। Thank you.